हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशु अनबॉक्स। तो गाइस, आज जिस शू के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक नया लॉन्च डे कैंपस कंपनी का। 7 डिफरेंट कलर्स में आप लोगों को मिल जाता है एंड इस मॉडल का नेम है कैंपस बार्ले। एंड आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट करा था इस शू को रिव्यू करने के लिए एंड फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए शू लेकर आ गया हूँ। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरह के बिल्ट इन डिजाइन यहाँ पे दिया गया एंड साथ ही जान लेते हैं शू का खास फीचर। पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट यूनिक एंड अच्छा लगता है। तो बाय द वे, आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के कारण आज हम 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच एंड आई होप मेरी अपकमिंग वीडियोस में भी आप मुझे इतना ही प्यार दें। एंड चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी अनबॉक्सिंग की ओर। तो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं शू के बॉक्स की। तो काफी सिंपल एंड क्लीन रेड कलर में ये बॉक्स हमें दिया गया। कंडीशन की बात करूं तो मुझे थोड़ी बहुत एवरेज लगी। बात करता हूं बॉक्स के फ्रंट की, तो यहां पे मुझे कैंपस का लोगो देखने को मिल जाता है। राइट साइड में यहां पे सर्कल पैटर्न में उनकी टैगलाइन दी गई है। बॉक्स को टर्न करने पर मुझे यहाँ पे सिमिलर चीजें देखने को मिल जाती है। बॉक्स को लेफ्ट की ओर टर्न करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक टैग देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर साइज दी गई है। मॉडल नेम यहाँ पे दिया गया एंड प्राइसिंग भी दी गई है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ऊपर की ओर यहाँ पे कैंपस का लोगो फिर से दिया गया। बात करता हूँ बॉक्स के बैक की, तो बैक यहाँ पे काफी प्लेन दिया गया एंड चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो फाइनली गाइज, आप लोग देख सकते हैं कैंपस के न्यू लॉन्च शू एंड इनका कोई लुक मैं आप लोगों को दे देता हूं। लेफ्ट वाले शू को मैं साइड में रखता हूं, राइट वाले शू का भी कोई लुक दे देता हूं। एंड बॉक्स के अंदर मुझे कैरी बैग भी देखने को मिलता है जिसको मैं एक बार आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। फ्रंट में यहाँ पे कैंपस का लोगो दिया गया एंड नीचे की ओर फिर से यहाँ पे टैगलाइन यूज करी गई है। तो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं शू के डिजाइन की एंड कलर की। बात करूं तो शू में सब जगह पर व्हाइट, रेड एंड ब्लू कलर का एक मिक्स कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रखा है। बात करता हूं शू के स्पेसिफिक फ्रंट आउटर डिजाइन की, तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लूप्स देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन में जो की एक ट्रांसपेरेंट पैच में बनाए गए। वही मुझे नीचे की ओर ब्लू कलर का भी पैच देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर डॉटेड पैटर्न मेनली फॉलो कर रखा है। एंड वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूं तो मुझे इस साइड में भी सिमिलर डिजाइन देखने को मिल जाती है। बात करता हूँ शू के स्पेसिफिक बैक की, तो बैक के राइट साइड में यहाँ पे कैंपस का लोगो प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी हाईलाइटेड है। सेंटर में यहाँ पे एक स्ट्रैप भी दिया गया एंड एस सच यहाँ पे कोई भी डिजाइन में डिफरेंस नहीं दिया गया शू के बैक में। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ शू के बैक सोल की, तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन में लाइनिंग पैटर्न को फॉलो कर रखा है। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आप लोग देख सकते हैं कर्व लाइनिंग डिजाइन दी गई है एंड सेंटर में मुझे कुछ जिगजैग फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में मुझे एक और कैंपस का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड वही नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शू के साइड सोल की, तो साइड सोल में यहाँ पे पीछे की ओर एक बोल्ट का डिजाइन दिया गया। बचे पोर्शन में मुझे एक्जैक्टली सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे बैक सोल में दिया था। शूज को टर्न करने पर मुझे एक और कैंपस का लोगो देखने को मिल जाता है फ्रंट की ओर एंड सिमिलर डिजाइन भी देखने को मिल जाती है शू के साइड सोल में। नेक्स्ट बात करते हैं शू के लेसेस की, तो यहाँ पे लेसेस में भी व्हाइट कलर प्रोवाइड कर रखा है ताकि ये शू के साथ मैच करे एंड थोड़ी बहुत डिजाइन भी यहाँ पे बनी गई है लेसेस के ऊपर। पीछे की ओर यहाँ पे एक और कैंपस का लोगो यूज करा गया है। तो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ड की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे टू डिफरेंट लेयर दी गई है जिनका बिल्ड एक्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे अपर लेयर में सब जगह पर सिंथेटिक एंड फाइबर का यूज कर रखा है। वहीं मुझे इनर लेयर में यहाँ पे सब जगह पर मेश देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छी क्वालिटी का है। एयर इजिली पास हो जाएगी शू के अंदर एंड स्वेटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। एंड दूसरी ओर यहाँ पे सिंथेटिक एंड फाइबर भी काफी अच्छी क्वालिटी के दिए गए ताकि आप इसको इजिली वॉश कर पाए। एक और प्लस पॉइंट जो मुझे शू का अच्छा लगा है वो सिंथेटिक हुक्स। यूजुअली अगर हम किसी फैब्रिक के हुक से लेसेस पास कराते हैं तो वो इन फ्यूचर डैमेज हो जाते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वही अगर मैं शूज को टर्न कर रहा हूं तो मुझे इस साइड में सिमिलर बिल्ड देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शू के स्पेसिफिक बैक की, तो बैक में भी हमें फैब्रिक देखने को मिल जाता है। साइड में एक प्रिंटेड लोगो दिया गया कैंपस का एंड एक और फैब्रिक की लेयर देखने को मिल जाती है स्ट्रैप में। नेक्स्ट वही मैं बात करता हूँ शू के बैक सोल की, तो बैक सोल में यहाँ पे रबर दिया गया। मैं एक बार आप लोगों से टैप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अगर मैं पीछे की ओर प्रेस करूं तो शूज काफी ज्यादा हार्ड फील हो रहे हैं एंड वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूं फ्रंट से तो फ्रंट काफी अंदर की ओर जा रहा है। मैं दोनों आप लोगों को साइमल्टेनियसली प्रेस करके दिखा देता हूं।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते शू के साइड सोल की, तो साइड सोल भी मुझे इक्वली हार्ड लगा है बैक सोल की तरह। सेम मटेरियल यहाँ पर भी यूज कर रखा है एंड यहाँ पे आउटर से साइड सोल को स्टिच कर रखा है ताकि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। वहीं अगर मैं शूज को टर्न करूँ तो मुझे इस साइड में भी सिमिलर बिल्ड देखने को मिल जाती है। हाइट की बात करूँ तो वो कुछ 1.3 इंच है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते शू के लेसेस की, तो लेसेस भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। मैं एक बार आप लोग को इसके टिप पर जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ शू के इनर सोल की, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कैंपस का ओरिजिनल इनर सोल देखने को मिलता है। मैं एक बार आप लोगों से निकाल के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सिंगल लेयर दी गई है रबर की, कहीं पर भी फॉर्म का यूज नहीं कर रखा है जो कि कंफर्टेबिलिटी को कम करेगा। एंड सोल के नीचे मुझे एक फैब्रिक की लेयर भी देखने को मिलती है जो कि सरफेस प्लेन का रही है। मैं एक बार आप लोगों को इसे भी टैप करके दिखा देता हूँ। एंड लेसेस के नीचे मुझे डिफरेंट कंपनी के साइजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस जब हम बात करते हैं शू के वेट का, तो एक शू का वेट हमें देखने को मिलता है 255 ग्राम्स। इन टोटल बात करूं दोनों शू के वेट की, तो वो है कुछ 510 ग्राम्स, जो कि मुझे अब बिट हैवी लगा है कंपेयर करता हूं उसके बिल्ड से। एंड ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में अफेक्ट कर सकता है रनिंग के। तो गाइस अगला पॉइंट अगर मैं लेता हूं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की, तो एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूं सभी एंगल से। तो गाइस आप लोग काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं, जब भी मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ मुझे दोनों तरफ के साइड सोल में स्ट्रेच मार्क्स बनते दिख रहे हैं जो कि इन फ्यूचर काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं अगर मैं आउटर की बात करूँ, तो आउटर में काफी अच्छी क्वालिटी का मेश प्रोवाइड कर रखा है, जिसके कारण अगर वहां पे शू स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे भी तो वो इन फ्यूचर बढ़ेंगे नहीं एंड ये काफी ज्यादा टेम्परेरी रहेंगे। तो गाइस फाइनली बात कर लेते शू के वॉकिंग टेस्ट की। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं शू के वॉकिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा है, कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिले। एडिशनली शू के कंफर्ट को लेकर भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। एट फर्स्ट जब मैंने इसका इनर सोल देखा था, मुझे लगा था रबर होने के कारण इसका कंफर्ट ज्यादा अच्छा नहीं होगा एंड अल्टीमेटली थोड़े बहुत इश्यू होंगे, पर ऐसा नहीं रहा। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ शू के रनिंग टेस्ट की, तो नो डाउट रनिंग में भी ये शू काफी ज्यादा बेस्ट है। मैंने दोनों सरफेस पे रन टेस्ट परफॉर्म करके देखा एंड बिलीव मी गाइस दोनों ही सरफेस में एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस रहा है। काफी अच्छी ग्रिपिंग भी दी गई है जिसके कारण बैलेंस काफी बना रहता है। एंड वही अगर मैं बात करता हूँ शू के फिटिंग की, तो इस शू में मुझे फिटिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। शू एक्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं शू के जंप टेस्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं जंप करते टाइम शू काफी स्टेबल है एंड स्ट्रेच मार्क्स भी कम बन रहे हैं। तो गाइस एट द एंड हम बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट की। ये शूज पड़े थे मुझे एक्जैक्टली 1000 रुपीस के। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से शू को परचेस कर सकते हैं। बात करता हूँ शू के वर्डिक्ट की, तो ये शू इस प्राइस रेंज में मुझे काफी वर्थ लगे। 1000 रुपीस में भी काफी अच्छा वर्क करा गया इसके बिल्ड में, डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव दी गई है। सेकेंडली आप इस शू को किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर के हैं एंड आप इस शू को एज अ रनिंग शू भी परचेस कर सकते हैं, काफी वर्थ रहेंगे मेरे ओपिनियन में। एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शूज से रिलेटेड। अभी के लिए मैं साइन आउट करता हूँ, मिलता है आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।